Hey, what's up guys? Namaste, Sasrikaal, Assalamu Alaikum. I hope you all guys are absolutely fine at home. तो शुरुआत करते हैं आज के दिन की. तो बात कुछ ऐसी है कि मैं अभी निकल रहा हूँ लाइब्रेरी के लिए, और पहले उससे पहले अपने पिताजी को छोड़ना है उनके ऑफिस में. जैसे वो पीछे आपको दिख ही रहेंगे, नंगे घूम रहे हैं इस समय. मैं दिखाना चाहता नहीं था, लेकिन वो खुद आया बीच में, तो मैं कुछ नहीं कर सकता इसमें अभी. तो पहले इनको छोड़ते हैं इनके ऑफिस में, देन उसके बाद चलते हैं लाइब्रेरी. देन उसके बाद आज दोपहर का प्लान कुछ ऐसा है कि आज दोबारा हमारा मैच है. तो बाकी मैच के बारे में मैं आपको दोपहर को ही बताऊंगा, और साथ में ही उसी के साथ में ही एक दिमाग में प्लान और चल रहा है. जैसे आप सोच रहे होंगे कि बंदे ने वीडियो बना दी कि मोटो ब्लॉग की एक वीडियो जल्दी आ रही है, पर आ नहीं रही है. उसका भी कुछ ऐसा है कि प्लान बन रहा है बाइक के सपोर्ट के साथ. इवन दो मुझे लगता है कि शायद बाइक लाइफ में आ जाए और ना भी आए, क्योंकि वो 50-50 चल रहा है. अगर आ गई तो अच्छी बात है, अगर नहीं आई तो जो बाइक है उसी से काम चलाना पड़ेगा. तो पहले मैं खाना खा लेता हूँ, देन उसके बाद निकलता हूँ, क्योंकि काफ़ी लेट हो चुके हैं, 9 बज चुके हैं. मेरा टाइम था 8 बजे जाने का, कि 8 से 12:30 तक स्टडी करेंगे, लेकिन अभी 9 बज चुके हैं. पापा को भी छोड़ना है, देन उसके बाद लाइब्रेरी भी जाना है. जैसे कि आप सोच रहे होंगे कि बंदे ने सुबह सुबह यूनिफॉर्म पहन लिए, हाँ पहन लिए, क्योंकि दोपहर को टाइम नहीं मिलेगा फिर. देन मैंने सोचा कि सुबह सुबह ही पहन लेते हैं, और जो बाकी का काम है वो जल्दी हो जाएगा. तो खाना खा लो अभी, मैं भी खा रहा हूँ, देन उसके बाद निकलते हैं. टाइम हो गया 8:50, और 10 मिनट का फ़र्क पड़ा हुआ है. तो खाना खा के निकल रहे हैं. गाड़ी को ऑलरेडी मैंने लगा दिया हुआ है गर्म करने पर. और आप सोच रहे होंगे भाई किताबें लेके तो जाता नहीं है. भाई क्या होता है कि मेरी किताबें ना, मेरा बैग ऑलरेडी वहीं पे पड़ा होता है, तो मैं रोज़ रोज़ ये नहीं लेके जाता कि मैं लेके चला जाऊँ रोज़ अपना बैग. तो जो मुझे शाम को पढ़ना होता है मैं वो ले आता हूँ घर पे, वो किताब या वो कॉपी वो बुक मैं घर पे ले आता हूँ. एसी यू लगा हुआ है सुबह सुबह, तो उसको मैं घर आके पढ़ लेता हूँ. तो बाकी बैग मेरा वहीं पर पड़ा होता है, किताबें सारी मेरी वहीं पर पड़ी होती, क्योंकि रोज़ जाना होता है. तो फिर क्या सुबह उठाऊँ वहाँ पे लेके जाऊँ, शाम को वहाँ से दोबारा उठाऊँ और घर पे ले आऊँ, तो फिर वो मुझे अच्छा नहीं लगता वैसा. तो बाकी अभी निकलते हैं, पापा भी आ रहे हैं. तो मैं काफ़ी लेट हो चुका हूँ ऑलरेडी, पापा भी लेट हो गए हैं. सो चलो यार निकलो. सो आखिरकार डैड को यहाँ पर छोड़ने के बाद ऑलरेडी लेट हो चुके हैं. उनको यहाँ से जाना है जम्मू, क्योंकि पहले उनको यहीं पर आना था, पर किसी कारण से उनको फ़ोन आया, तो अभी वो निकल रहे हैं जम्मू के लिए. कहते मुझे यहाँ पर छोड़ दो. और यार मैं एक हाथ से ड्राइव कर रहा हूँ और एक हाथ से मैंने कैमरा पकड़ा हुआ है. मैं किसी को ये सलाह नहीं देता कि आप ये सब करो. आज किसी कारण से मेरा भाई भी साथ नहीं है, तो उसकी वजह से मैं ये सब कर रहा हूँ. पर आप सब मत करना यार, थोड़ा रिस्की रहता है. जैसे आप देख ही रहे होंगे आगे से गाड़ी आ रही है और रोड सारा टूटा हुआ है. व्हाट आई एम डूइंग इज सो 15-20 मिनट वेस्ट करने के बाद आखिरकार मैं लाइब्रेरी पहुंचा हूं, क्योंकि पापा को वहां पर छोड़ा है. देन उसके बाद पूरा घूम कर आना पड़ता है, क्योंकि अगर बीच के रास्ते से आओगे, दो रास्ते हैं ना, अगर बीच के रास्ते से आओगे तो आपको काफ़ी ट्रैफिक भी मिलेगी और साथ में रोड सारा टूटा हुआ है. देन मैंने सोचा कि हम बाहर के रास्ते से थोड़ा सा लंबा पड़ता है, लेकिन वो रास्ता मैंने पकड़ कर अभी लाइब्रेरी पहुँचा हूँ. मतलब कि 15-20 मिनट लगे हैं मुझे ऑलमोस्ट. आपको लाइब्रेरी दिखा में, क्योंकि बड़े बंदों ने मेरे को पूछा है कि भाई आप जाते कहाँ पे, कौन सी लाइब्रेरी में जाते हो. भाई अखनूर में एक ही लाइब्रेरी है, एडुमैक्स लाइब्रेरी. अगर कोई भी इंटरेस्टेड है पढ़ने के लिए, अगर पढ़ने के लिए तभी आना यहाँ पर, ऐसे मत आना
जस्ट कि मैं चक्कर लगा आता हूँ, घूम के आता हूँ, वैसा नहीं। अगर किसी को पढ़ना है तो स्पेशली भाई ज्वाइन करो लाइब्रेरी आके, यार मज़ा आता है, शांति मिलती है ना, शांति। जब शांति मिलती है तो बंदा आराम से पढ़ता है। तो मैं आपको दिखा देता हूँ है कहाँ पे, एक थोड़ा सा व्यू देखो, देन उसके बाद मैंने कर स्टडी करनी है। बाय। तो फाइनली लाइब्रेरी से निकलने के बाद अभी मैं निकल रहा हूँ ग्राउंड की तरफ, क्योंकि यहाँ से हमें ऑलमोस्ट 18 किलोमीटर चलना है, जाना है, चलना नहीं है, जाना है 18 किलोमीटर, क्योंकि जोड़ियाँ में टूर्नामेंट हो रही है। जैसे मैं आपको सुबह बता रहा कि मैं जब जाऊँगा तब बताऊँगा, जोड़ियाँ में टूर्नामेंट हो रही है, तो आज हमारा पहला मैच है वहाँ पर हमारे क्लब का। तो फ़ोन मुझे ऑलरेडी, मैं लाइब्रेरी में बैठा हुआ था, मुझे फ़ोन पर फ़ोन आ रहे थे कि जल्दी आओ, और 12 बज चुके हैं और टाइम आ गया अभी निकलने का। पहले एक काम करना, हमने अपने दोस्तों को उठाना है, मुझे पहले कौशल को उठाना है, उसके बाद किट लेनी है, जो किट भी फ्रेंड के पास पड़ी हुई है वो उठाएंगे, देन उसके बाद निकलते हैं। सो थोड़ा सा सफ़र करने के बाद आखिरकार मैं पहुंचा हूं कौशल के पास, और सामान, इसने सामान क्या लाया? किट आ जाएगी भाई। अच्छा, किट आ जाएगी, और अभी कैप, हैट वगैरह लिया है, कैप वगैरह? जी जी जी। कैप कितनी है? दो है, चलो एक मेरा से मेरा काम बन जाएगा, क्योंकि मेरे पास नहीं है आज, जो मेरे वाली है वो शायद कोई लेके गया हुआ है। तो अभी चलते हैं पहले किट लेने। किट किसके पास है? किट वहाँ पे दुकान से मिल जाएगी। अच्छा, भैया के पास किट पड़ी हुई है, तो वो उठाते हैं, देन उसके बाद निकलते हैं। मेरे को पहले घर भी जाना है, घर पे शक्ल भी दिखानी है, अगर शक्ल नहीं दिखाई तो कुछ भी हो सकता है घर वालों से, डरना जरूरी है घर वालों से। तो फाइनली ग्राउंड में पहुंच चुके हैं अभी हम, तो पहले क्या करते हैं, चेंज कर लेते हैं, यूनिफॉर्म डाल लेते हैं जो भी है इनकी वाइट यूनिफॉर्म, और उसके बाद आपको पीछे ग्राउंड देख ही रहा होगा, टेंट वगैरह भी लगा हुआ है यहाँ पर, तो अगर देखते हैं अगर अलाउ करेंगे अंदर, मुझे लगता है अलाउ करेंगे, वैसा ही मुझे लगता नहीं आर्मी वाला सीन है यहाँ, क्योंकि जहाँ मैं पहले गया था आर्मी का सीन था वहाँ पर, यहाँ पर वैसा कुछ है नहीं है, लेकिन थोड़ा सा शूट करेंगे। सो आफ्टर अ बिग विन, जीत के आया भाई, अभी बोलने में नहीं हो रहा है, ऐसी हालत हो गई कि सुबह दोपहर को आए थे ना, दो बजे आए थे, अब 6 बज गए हैं, तो 6 बज गए हैं, इस समय हालत तो हो गई बड़ी ज़्यादा नाजुक, और इसकी हालत दे सकते हो, ये बंदा 21 रन ही मार के आया, लेकिन फिर भी पूरी टीम की सपोर्ट से हमने मैच जीत लिया आराम से। तो अभी सो फाइनली घर पर पहुँचा हूँ अभी, तो अभी टाइम हो रहा है 6:38 हो रहे हैं, तो सुबह निकले थे, शाम को घर पहुंचे, और नॉर्मल सी थोड़ी सी गालियां भी खाई है घर से माता जी से, लेकिन फिर भी ओवरऑल जो मैच गया अच्छा गया दोनों साइड से। जैसे मैं आपको पहले बता रहा था कि हमने मैच अच्छे से जीत लिया है, ऐसा वैसा कुछ नहीं है भाई, हमने मैच हार गए हैं, हम मैच हार गए हैं 20-25 रन से, लेकिन फिर भी ठीक गया, जैसा भी था अच्छा गया। आई होप आपको आज की वीडियो अच्छी लगी हो, अगर अच्छी लगी हो तो प्लीज़ लाइक करें, शेयर करें, और ज़्यादा से ज़्यादा सब्सक्राइब करें, ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करें। तो मिलता हूँ आपको फिर से नए ब्लॉग में, तब तक के लिए अपने माता पिता का ध्यान रखना, गुड बाय।